हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि मिड कैप का स्टॉक है और हर इसमें जो डाउन मूव हुई है, हर बार जो गिरावट हुई है उसमें इसने एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दी है, जहां से इसने एक अच्छी रैली देके हर गिरावट में इन्वेस्टर्स को फ़ायदा दिया है। तो स्टॉक का जो नाम है वो अवंती फीड्स है और अवंती फीड्स में अभी जो लेवल जो कि अच्छे लेवल हैं उसे आपके साथ डिस्कस करने से पहले हम चाहेंगे कि अवंती फीड्स में हमने एक बार और आपके साथ लेवल डिस्कस किया था जो कि कुछ दिनों पहले ही आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ पर 26 फरवरी को आप देख सकते हैं और ये वीडियो का कट है जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो इसे प्रूफ के लिए जाके ज़रूर चेक करें और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको जब तक हमारे लेवल्स पर ट्रस्ट नहीं होगा, आप अभी जो हम लेवल देंगे जो आपके साथ डिस्कस करेंगे उसका आप पॉजिटिव वे में फ़ायदा नहीं ले पाएगा। तो प्रूफ के लिए आप ज़रूर इस वीडियो को जाके चेक करें और उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रस्ट हो पाएगा और अभी जो हम देंगे जो लेवल आपके साथ डिस्कस करेंगे उसका फ़ायदा ले पाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि मैं कह रहा था कि ये जो सपोर्ट लेवल, ये जो सपोर्ट लाइन आप देख रहे हैं उसका एग्जैक्टली जो लो लगाया था इस कैंडल ने 459.8 का, तो एग्जैक्टली यही सपोर्ट लेवल हमने इस वीडियो में डिस्कस किए थे और यहाँ से किस तरह से रैली हुई वो आप देख सकते हैं। 459.8 का लो लगा के इस स्टॉक में 504.9 का हाई लगा और अगेन अभी क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो एज अ अपॉर्चुनिटी के तौर पे अवंती फीड्स फिर से वही लेवल पे आ चुका है जहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है जहाँ पर लास्ट वीडियो में भी हमने ये सपोर्ट लेवल आपको दिए थे और अभी भी सेम चीज़ रिपीट है। 462-459 का लेवल अच्छे सपोर्ट के तौर पर अभी भी स्टिल वैलिड है अवंती फीड्स के लिए, जहाँ पर इस बार आपको करना ये है कि आज थर्सडे है और कल फ्राइडे, तो कल मार्केट क्लोजिंग डे है, कल का जो दिन है वो वीकली क्लोजिंग हमें पता चलेगा इसमें अवंती फीड्स में। और अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अवंती फीड्स 462 के लेवल के ऊपर में ही स्टे करता है, 459 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तो अभी भी ये सपोर्ट लेवल हम मान सकते हैं कि उतने ही तगड़े तौर पर वैलिड है जिस तगड़े तौर पर यहाँ पर या फिर यहाँ पर, यहाँ पर भी या फिर यहाँ पर, इन चारों जगह पे वैलिड थे। और अगेन यहाँ पर भी आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट अगर हम इसमें आप अगर गौर कर रहे होंगे तो 5 बार इसी प्राइस लेवल को टेस्ट करके यहाँ से कितनी बड़ी बड़ी प्राइस रिजेक्शन मिली है वो आप देख सकते हैं। तो ये 6ठी बार ऐसा है कि सेम प्राइस लेवल को टेस्ट कर रहा है जहाँ पे हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट लेवल स्टिल अभी भी वैलिड है, जहाँ पे केवल आपको कल का ट्रेडिंग सेशन वॉच करना है और कल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट वे पे वॉच करना है, जिसे अगर कल का क्लोजिंग जो है वो 459 के बिलो में नहीं होता है तो इसमें फिर से एक रिकवरी की रैली की हम ज़रूर यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। और अगर 459 का लेवल ब्रेक कर दे, जो कि लास्ट वीडियो में भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर ये लेवल ब्रेक कर दे 459 का, तो इसके नीचे में 436-433 के भी अच्छे सपोर्ट लेवल है। तो आपको करना ये है कि 459 का लेवल ब्रेक करेगा तो उसके नीचे में बाइंग को अवॉइड करना है, जहाँ पर वेट करें कि 436-433 का लेवल आए अगर, तो यहाँ पर आप ऐड ज़रूर कर सकते हैं और जो लेके यहाँ पर लेके भी रखे हैं और ये अपर साइड में प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं वो भी यहाँ पर ऐड मोर कर सकते हैं 436-433 के लेवल पे। 459 से 436 के मिडिल में, इस प्राइस रेंज के बीच में आपको इसमें ना तो बाइंग करना है ना तो सेलिंग करना है, बिल्कुल हाथ ना लगाएं अवंती फीड्स को। प्राइस लेवल के साथ चलेंगे तो ज़रूर आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। तो अवंती फीड्स में जो लेवल है वो हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए, जहाँ पर आपको प्रूफ के लिए हमने पहले भी किस तरह की इसमें लेवल दिए थे और उसने किस तरह से वर्क किया वो भी आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो आई होप आप इसका ज़रूर मज़ा ले पाइएगा आने वाला ट्रेडिंग सेशन में और अभी के लिए ये सपोर्ट लेवल को नोट करके रखें और नीचे के भी सपोर्ट लेवल नोट करके रखें क्योंकि अभी मार्केट सेंटिमेंट बियरिश है, तो इस बियरिश में इनकेस अगर ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के भी सपोर्ट लेवल आपके पास पहले से रहेंगे, तो वहाँ पर आप उस प्राइस लेवल को यूज़ कर पाएगा पॉजिटिव वे पे। तो आई होप आपने इन सारे लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा अवंती फीड्स में और वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और इस तरह के जो एडवांस में हम आपके साथ लेवल डिस्कस करते रहते हैं उसका टाइमली बेनिफिट लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।